मूड खराब हो गया यार। झूठ बोला। मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ से होती है हमारी नए दिन की शुरुआत। तो आज का प्लान मैं आपको चलते हुए बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस होटल के बारे में बता दूं। होटल का नाम है होटल विंटर वाइट। बहुत अच्छे होटल है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। बाकी चीज़ें छोड़ो, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है। और जितने भी बंदे हैं, जैसे मेन जो ऑनर का जो छोटा भाई है ना, वो बहुत नाइस है, तो बहुत हेल्प करता है। तो सही रहा सब। अभी कहाँ जाना है, क्या करना है आज का, तो मैं आपको चलते हुए रास्ते में बताता हूँ, आपको डिटेल में समझाता हूँ आज क्या होने वाला है। तो निकलने से पहले सबसे पहले हम अपनी रीत निभा देते हैं। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ, मज़े ले रहा हूँ। आप दिल्ली में मज़े लो गर्मी के, मैं ठंड के मज़े ले रहा हूँ। सो आज का प्लान क्या है, थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट किया है हमने। ट्विस्ट बोले तो क्या किया वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मेरा रह गया था पिन वैली, अब पिन वैली भी रह गया था, और आगे की मोनेस्ट्री है वो भी रह गई थी, और एक दो जगह की मोनेस्ट्री होगी, पिन वैली होगी, ये दोनों मेरे रह गए थे। किब्बर भी रह गया था। देन मेरी बात हुई मेरे होटल वाले से, वो कहता आप एक काम करो, आप सुबह सुबह यहाँ से पिन वैली करके आ जाओ। पिन वैली कुछ यहाँ से है 55 किलोमीटर, और वो वापस पीछे की जाना पड़ता है। आप 55 किलोमीटर पिन वैली करके आ जाओ, उसके बाद आप, मैं आपको बाद में बताता हूँ इस बारे में। जो मैं बता रहा था गेम में क्या ट्विस्ट किया है, मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं एक दिन काजा में और स्टे करने वाला हूँ, ताकि मैं पिन वैली ये सब भी करके आ सकूँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट ये किया, मेरा होटल वाला कहता आप एक काम करो, आप काजा में मत स्टे करो। वो अपना ही नुकसान कर रहा था, बाकी कोई नहीं, उसने अच्छा गाइड किया। कहता आप काजा में स्टे ना करो, आप यहाँ से पीछे जाओ, पिन वैली करके आ जाओ। आप अपना सामान पैक करके रख दो, आप होटल में आना, सामान उठाना, और आप आगे जाके 10 किलोमीटर आगे एक किब्बर जगह है, आप किब्बर में जाके वहाँ पे आप किब्बर भी घूम लेना, और आपका सेकेंडली किब्बर के बाद आपका की मोनेस्ट्री भी घूम लेना, और देन उसके बाद वहीं पर स्टे कर लेना। तो मैंने कहा ये, और आपकी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ 3 दिन से एक ही रूम में नहीं सोना पड़ेगा। तो एक होता है ना, थोड़ा मेंटली इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो दर आई थॉट यार सही बात है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं यहाँ से अभी वापसी में अपना सामान उठाऊँगा और सीधा जाऊँगा मैं किब्बर में करूँगा मैं स्टे। तो बढ़िया से अच्छा से गाइडेंस मिल गई। बाकी अभी मौसम आज बड़ा क्लासी है, बारिश यहाँ आती नहीं है, लेकिन बादल थोड़े नीचे है। मैगी बनवाए हैं। गेम में आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट। मैंने आज सुबह आपको बोला था कि मेरे को होटल वाले ने बताया कि यहाँ पे बारिश नहीं होती, अब आप समझ गए ना, बारिश तो हो गई। सो बारिश शुरू हो गई है, और मुझे पता लगा कि बारिश में पिन वैली का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है। तो अभी बस 15 मिनट वेट करूँगा, अगर बारिश बंद हो गई तो पिन वैली जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं वापस चल जाऊँगा उधर। मूड ख़राब हो गया यार, इतनी दूर आए पिन वैली नहीं हुआ, कोई नहीं अगली बार कर लेंगे, इस बार नहीं हुआ तो। सो अभी मैगी खाने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि पिन वैली नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा है। तो वापसी जाते हैं, होटल से सामान लेते हैं और किब्बर की तरफ निकलते हैं। किब्बर मेरे होटल से है करीब से 10 किलोमीटर, वहाँ पर आराम से पहुँच के फिर वहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। चलो चलते हैं अब।
अभी आपको ऑन रूट पे कुछ नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी है, तो इसके ऊपर मुझे बाइक पे ध्यान देना है। चलो मिलते हैं। ऊपर वाला चाहता ही नहीं था कि मैं पिन वैली जाऊँ। पिन वैली जा रहा था, बारिश शुरू होगी, वापसी आ रहा हूँ बारिश बंद हो गई, तो इसलिए पिन वैली का मैंने भी प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया अगर वहाँ जाके बारिश भी शुरू हो गई तो वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं आर्मी वाले, क्योंकि आगे का रास्ता ना थोड़ा सा मतलब स्लश टाइप का है, मिट्टी विट्टी है, तो मिट्टी होती है उस पर बारिश पड़ती है तो वो कीचड़ टाइप का बन जाता है, तो वो स्लिपरी हो जाता है, इसलिए वहाँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं जाते। और वैसे भी पिन वैली में ना एक चीज़ है, पिन वैली देखने का मज़ा मई में है प्रॉपर, क्योंकि उसी वक्त वो प्रॉपर फूल खिले होते हैं। अभी इस वक्त पिन वैली में कुछ खास भी नहीं होगा, तो मैंने भी अपना प्लान कैंसिल कर दिया कि पिन वैली अभी मैं जा रहा हूँ वापस होटल, मौसम भी हो रहा है साफ, वापस होटल जाके आराम से वहाँ पे 10-15 मिनट बैठ के सामान समून पैक कर दिया मैंने, सामान रख के रिफिल करवा के पेट्रोल हम निकलते हैं अपना किबर के लिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट रॉयल इनफील्ड का शोरूम मतलब कि सर्विस सेंटर। तो अभी एक बार यहाँ पे जाके ना मेरे को बाइक की चेन और ये सब क्लीन करवाना है, अच्छे से एक बार क्लीन हो जाए तो फिर हम रिलैक्स होके आगे जा सकेंगे। मौसम भी बिल्कुल साफ़ होने लग गया है, वो देखो धूप आने लग गई है। अब हमारी किस्मत में पिन वैली नहीं थी तो नहीं थी। तो कहते हैं ना कुछ होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, तो अभी मुझे पता लगा कि जो की मोनेस्ट्री है जहाँ पे मैंने जाना था वहाँ पे मेला लगा हुआ है, एक यहाँ का स्पेशली कुछ मेला होता है जो वहाँ पे लगाया हुआ उन्होंने कईयों ने, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं वहीं जा ही रहा हूँ तो फिर मैं मेला भी देखूँगा। तो अभी चलते हैं की मोनेस्ट्री यहाँ से फ्री होके, मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है, किबर जाके होटल में चेक इन करके हम निकल जाएंगे की मोनेस्ट्री के लिए। तो अभी सामान सारा पैक हो गया है, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से किबर के लिए। उससे पहले एक बार पेट्रोल रिफिल करवा लेते हैं और एक आधी बॉटल जो है वो रख लेते हैं पेट्रोल की रिफिल करके, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आए तो भी पहले मैं पेट्रोल रिफिल करवा लेता हूँ। सॉरी बताता हूँ क्या हुआ, आगे मेरे रास्ते में ना ये गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने इनको कहा कि थोड़ी सी आगे कर लो मैं पीछे से निकाल लूँ, तो इन्होंने आगे तो करी नहीं, एकदम स्पीड में पीछे कर दी और उनकी गाड़ी में जाके बाइक मार दी, वो अपनी गाड़ी मार दी। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी, मैंने कहा मैं आपको आगे करने को कह रहा हूँ, आपने एकदम से पीछे घुमा दी, तो जस्ट फॉर उनको बेचारों का नुकसान हो गया थोड़ा सा। चलो थैंक यू। नाम आपका? जस्टिन। बैंगलोर से ना? हाँ बैंगलोर। तो ये जस्टिन जी है बैंगलोर से। हाँ। तो अभी आने से अभी ये वाया मनाली से होते हुए आ रहे हैं। चलो ओके जी, ओके वीडियो। हाँ चलो तो इस तरह से कई लोग रोक के फ़ोटोज़ के लिए क्लिक करवाते हैं। तो कल की आपको एक स्टोरी बताता हूँ। देखो JS फिल्म्स, जेसन सारे जानते हैं आप लोग, मैं भी जानता हूँ, मैं भी देखता हूँ, पसंद करता हूँ वीडियोस, उनका कंटेंट अलग है मतलब स्टाइल अलग है। तो कल मुझे जैसे ही मैंने हेलमेट उतारा ना, एक दो लड़के मुझसे बात कर रहे थे, वैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा था, जस्ट मैंने हेलमेट पहना हुआ था तो बातचीत कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने हेलमेट उतारा कह रहे अरे आप तो जेसन जैसे लगते हो। मैंने कहा देखो अच्छी बात है, वो मेरे से एक साल छोटे हैं, एक या डेढ़ दो साल छोटे हैं वो मेरे से, तो मैं उनकी तरह नहीं लगता, वो मेरी तरह लगते हैं। तो कह रहा हाँ हाँ एक ही बात है। मैं कहा हाँ बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे हम। तो वो चार लड़के वहाँ से आए थे, मनाली से यहाँ आए थे, और देन यहाँ से रेंट करके बाइक उन्होंने सिक्किम में मिले थे मुझे।
तो अच्छा है, बढ़िया है, आगे मौसम साफ है, उस तरफ का मौसम अच्छा है। मैंने पेट्रोल फुल भी है मेरा, और मैंने भरवा भी लिया, थोड़ा सा रख भी लिया है, ताकि ना सेफर साइड हमारे पास होना चाहिए पेट्रोल, ये ना हो कि पेट्रोल हो ना। बाकी मेरी कोशिश ये है कि मैं ना ट्राई करूँगा कि मैं पेट्रोल यूज़ ही ना करना पड़े, लेकिन जो भी है अटल टनल पे तो मुझे खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता अटल टनल। और इस बार देखो अटल टनल का मैं अलग से आपको क्या एक्सपीरियंस देता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। झूठ बोला, मेरा होटल वाला कहता कि किबर तक रोड बिल्कुल साफ है, बट ये तो नहीं है, ये तो ऑफ रोड है, इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस करेंगे बस, धीरे 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 क्रॉस करेंगे। चलो ये तो हो गया क्रॉस, वेलकम टू किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीजन। सो कह सकते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि मैं पीछे कई अलग अलग तरह के पंछियों को भी देखा है मैंने। तो अभी एक काम करूँगा, मैं होटल चेक इन करके ना फटाफट से की मनेस्ट्री करके यहाँ पे आपको लोकल दिखाऊँगा कि क्या क्या है। सो अभी रूम मुझे किब्बर में मिल गया है, रूम बड़ा अच्छा है, अच्छा मीन्स बहुत साफ सुथरा करा हुआ है, लेकिन बिल्कुल ओल्ड स्कूल टाइप का रूम है। तो मैं एक्चुअली चाहता था ऐसा ही कुछ रूम, जो कि उसी के लिए मैंने किब्बर में स्टे करा, नहीं तो मैं काजा भी स्टे कर सकता था, इसीलिए मैंने किब्बर में स्टे करा, क्योंकि मैंने देखा था कि किब्बर में इस तरह के घर होते हैं। तो अभी नहीं दिखाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो में कल चंद्रताल के लिए निकलूंगा तो सुबह सुबह आपको निकलने से पहले रूम टूर ज़रूर करवाऊंगा, और बहुत बहुत अच्छा रूम, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं पहुंच गया की मोनेस्ट्री, इतना रश इसलिए है, मेरे होटल वाले ने बताया कि आज वहाँ पे फेस्टिवल है, तो कोई इनका फेस्टिवल होता है वो यहाँ पे, उसके लिए मेला लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा जाम है आज, जाम नहीं कह सकते, रश कह सकते हैं। मुझे फिर से अभी ट्रैक करना पड़ रहा है, क्योंकि टेंपल जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। एक काम कर रहा हूँ, रुक रुक के जा रहे हैं, सड़क साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धाकर वाला आर नहीं करना चलता पाया अपना, इसलिए आराम से जाएंगे। एंट्री है टेंपल की, यहाँ से तो अब आराम से चलते हैं, और टेंपल से ये लोकेशन दिखती है। ये 14th दलाई लामा उनके लिए फेमस है, तो वहाँ पे बोर्ड लगा था, मैं एक बार वो भी आपको दिखाता हूँ, उसमें पढ़ लेना। कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, और किससे पूछूँ, अभी कोई अवेलेबल नहीं है क्योंकि फेस्टिवल में सारे बिजी लग रहे हैं। तब तक आप यहाँ से व्यू देखो, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत प्यारा। तो अब हम चलते हैं नीचे, नीचे से बढ़िया एक टाइम लैप्स लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं फिर। जान देख लो की मोनेस्ट्री में, यहाँ से ये देख लो ये पूरा रश है। की मोनेस्ट्री विजिट कर लिया, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और होनी भी नहीं थी, क्योंकि बहुत अंधेरा था अंदर मोनेस्ट्री के अंदर। सेकेंडली
अंदर के बारे में बताऊं तो अंदर एक रूम ऐसा बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ मॉन्क्स जो होते हैं उनको अलाउड है, और वैसे ये 14th दलाई लामा जो थे उनके लिए बनाया हुआ है। ज़्यादा किसी से मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि फेस्टिवल था आज वहाँ पे, तो इसलिए कोई ज़्यादा बात करने में था नहीं, सारे अपने बिजी लगे हुए थे। अब हम चलते हैं चीचम ब्रिज, वहाँ ले जा के आपको उसके बारे में बताऊँगा, पहले दिखाऊँगा फिर बताऊँगा कि क्या है वहाँ की पॉपुलैरिटी। मौसम बहुत प्यारा हुआ पड़े, धूप है लेकिन गर्मी नहीं लगेगी आपको क्योंकि हवा बड़ी ठंडी है। और यहाँ पे अगर आपने नोटिस करो ना, यहाँ की यूवी रेस थोड़ी हाई है, इसलिए आप देखोगे छोटे से छोटा, ओल्ड एज से ओल्ड एज सभी गॉगल्स लगा के बैठते हैं। जो पीछे से एक सड़क आ रही है वो ऊपर को चल जाओ तो की मनेश्वरी आ जाती है, और इधर पकड़ लो तो किब्बर आ जाता है, देन वहीं से एक टर्न और कटता है, वहाँ से चीचम ब्रिज के लिए निकलता रास्ता। मैं एक ही वाहन पुल के पार करे राइट, तो अभी ये गाड़ी जाएगी तो मैं जाऊँगा, और आई थिंक अभी ये गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि आगे से एक गाड़ी आ रही है। सो ये है चीचम ब्रिज। एक ही जाते एक बारी में, एक बारी में एक ही जाता है, मैं कहा एक बारी में एक ही जाता है। हाँ, से बड़ी गाड़ी के लिए, आपके लिए। अच्छा तो निकलते हैं फिर। सो जो एक ही बारी में एक जाएगा वो सिर्फ गाड़ियों के लिए है, और बाइक्स के लिए सब कुछ नहीं है। बाइक कभी भी कहीं भी जा सकती हैं, यही तो बाइकर्स का फायदा है। तो हम यहीं पे एक तो फोटो क्लिक करेंगे। सो हमने चीचम ब्रिज के बीच में खड़े होके एक फ़ोटो क्लिक करवा ली है, तो अभी एक बढ़िया से रोल्स लेते हैं चीचम ब्रिज के ऊपर, यहाँ पे साइड पे लगा के फूड ट्रक भी मिल गया। जब इतनी दूर आए तो ये ना किया तो क्या फ़ायदा, ये भी करेंगे हम, लेकिन ये जगह नहीं है तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा। देखो एक बार वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज को चीचम ब्रिज, क्योंकि इसके नीचे की खाई एक बहुत ज़्यादा है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पे होने वाला ब्रिज है। तो अब हम करते हैं इसको वापस से क्रॉस, और हम चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, या देखते हैं बीच में कुछ काम है तो। खत्म हो गया था एकदम बढ़िया साफ, बारिश ख़त्म हो गई थी तो हमने पिन वैली भी कर लिया, तो रूट पे हैं अभी पहुंचे नहीं है। ये पिन वैली का रूट है, यहाँ से देखोगे तो नदी उधर से आ रही है और हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चलो फटाफट से पिन वैली पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं पिन वैली। फाइनली हम पिन वैली पहुंच गए, 1 2 3 शूम, व्यू देख लो एक बार। ये सारा पेन वैली जो है फेमस इसी चीज़ के लिए है, और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, तो वाव। चलो फटाफट से एक काम करते हैं, कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं।
अपना पिन वैली हो गया है, अभी चलते हैं वापस किब्बर में, वहाँ जाके बैठते हैं आराम से काम करते हैं। चलो पिन वैली, वहाँ पे मुझे पता लगा वो कहते हैं कि फ्लड नहीं आया था, जस्ट थोड़ी सी बारिश हुई थी जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी फसलें ख़राब हो गई थी। वो कहते हैं और कुछ नहीं, बाकी सब सेफ है, कुछ नहीं हुआ। तो बस वही चीज़ मैं हो आया वहाँ भी, अगर ना जाता तो एक माइंड में ना रह जाता कि मैं गया नहीं पिन वैली, तो वो भी हो गया। अब सब कुछ हो गया, अब जाएंगे सीधा हम होटल। ये काजा से थोड़ा सा दूर है, 15 किलोमीटर, तो जस्ट पहुंचता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फाइनली मैं होटल आ चुका हूँ, मैं जान के एक ही जगह पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि होटल थोड़ा सा अलग है, जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगा। सो आपको क्या करना है, आज यहाँ पे बहुत ठंड है, किब्बर में बहुत ज़्यादा ठंड है, काजा में इतनी ठंड नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत, यू नो द ड्रिल, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इस ट्रिप के बाद आने वाले कुछ टाइम में और भी ट्रिप्स आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।